हेलो फ्रेंड्स, वरुण जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अक्षय कुमार की 2020 में 4 फिल्में रिलीज होने वाली थी यानी कि भैया सूर्यवंशी, लक्ष्मी बम, पृथ्वीराज चौहान और बच्चन पांडे। अगर हम लोग बात करें बच्चन पांडे की तो भैया अब इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो आमिर खान के रिक्वेस्ट पर बदल दिया गया है यानी कि अब अक्षय कुमार की 3 फिल्में सिनेमाघर में आने वाली थी ऑफिशियली, और जिसमें से एक फिल्म का जो रिलीज डेट था वो तो पूरी तरीके से फाइनल था यानी कि 24 मार्च को सूर्यवंशी को सिनेमाघर में आना था। लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म सिनेमाघर में आती कि भैया कोरोना वायरस की वजह से इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो टल गया, और उसी के बाद से ये सवाल उठने लगा कि भैया लॉकडाउन इतने दिनों से चालू है देश में, तो क्या 22 मई को सिनेमाघर में आने वाली फिल्म यानी कि लक्ष्मी बम अपने तयशुदा टाइम पर रिलीज हो पाएगी, क्योंकि इस फिल्म का भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और जिस तरीके से लॉकडाउन अभी पूरे देश में जारी है उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भैया जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात अभी पूरे देश में चल रही है उसको देखते हुए शायद ही मॉल्स खुले, सिनेमाघर खुले, यानी कि भैया सिनेमाघर अभी नहीं खुल सकते हैं जिस तरीके का सिनारियो पूरे वर्ल्ड का है। तो इसी बात को लेकर यह बात होने लग गई थी कि क्या लक्ष्मी बम अपने टाइम पर रिलीज हो पाएगी। तो भैया लक्ष्मी बम को लेकर जो सबसे बड़ी खबर सामने आई तो उसमें यह बताया गया कि भैया लक्ष्मी बम का जो पोस्ट का काम है वो 22 मई तक कंप्लीट ही नहीं हो सकता है यानी कि पोस्ट का काम कंप्लीट होते होते जून हो जाएगा और उसके बाद ही यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी, यानी कि अगर लॉकडाउन हट भी जाता है तब भी यह फिल्म सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो सकती है। तो दोस्तों अब ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिसमें कहा जा रहा है कि भैया जो लक्ष्मी बम के मेकर्स हैं वो अपनी इस फिल्म को यानी कि लक्ष्मी बम को अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर ने इस बात पर ये फैसला लेना शुरू कर दिया है कि भैया जब ये फिल्म सिनेमाघर में नहीं आ पा रही अपने तयशुदा टाइम पर तो हम लोग इसको OTT प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। और इसी के साथ ही उस OTT प्लेटफॉर्म का नाम भी सामने आने लगा है जिसमें बताया जा रहा है कि ये फिल्म Disney+ Hotstar पर रिलीज हो सकती है और इस फिल्म को लेकर बोली भी शुरू हो चुकी है। तो भैया जैसी ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उसके बाद से अक्षय कुमार के फैंस ने एक मांग रख दी है अक्षय कुमार के सामने कि वी वांट लक्ष्मी बम ऑन थिएटर, यानी कि दर्शक जो है, जो अक्षय कुमार के फैंस जो है वो लगातार खिलाड़ी कुमार से एक हैशटैग के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज करें क्योंकि वो इस हॉरर कॉमेडी को सिनेमाघर में देखना पसंद करेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने ये डिमांड रखी है कि भैया आप एक साल बाद अपनी फिल्म को रिलीज करो सिनेमाघर में, लेकिन हम एक साल का इंतजार कर सकते हैं, यानी कि अगर अगले साल भी ये फिल्म सिनेमाघर में आती है तब भी हम फिल्म को देखने जाएंगे, आप इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर ना रिलीज करें। यानी कि जो ऑडियंस है, जो फैंस है, वो लगातार ये बात अक्षय कुमार को बोल रहे हैं कि वो छोटे डिवाइस पर इस फिल्म को नहीं देखना चाहती है, यानी कि अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल में इस फिल्म को नहीं देखना चाहती, वो इस फिल्म को सिनेमा घर में ही देखना चाहती है। दो फिल्मों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया भैया, और जो तीसरी फिल्म को लेकर जो बात सामने आ रही है उसमें तो क्लियरली ये बताया जा रहा है कि अभी तक पृथ्वीराज चौहान का काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू ही नहीं हो पाया था, यानी कि भैया वो फिल्म इस साल रिलीज हो पाएगी कि नहीं उस पर भी सवालिया निशान उठने लगा है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अक्षय कुमार क्या अपने फैंस की बात को मानेंगे, क्या वो अपनी फिल्म को OTT पर रिलीज करेंगे या फिर दर्शकों की मांग को ध्यान में रखते हुए वो अपनी फिल्म को सिनेमाघर में लेके आएंगे। वैसे आप क्या चाहते हैं, ये फिल्म आप कहां देखना चाहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर सिनेमाघर में, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।